हेलो एवरीवन दिस साइड पूजा केडिया योर जीके टीचर हाउ आर यू स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर प्लेस सो स्टूडेंट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू नो हाउ इज अ बुक मेड ओके हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि कैसे जो बुक है जो पब्लिश होता है जो हमारे तक पहुंचता है पब्लिश होके उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं एक ऑथर को उसको एक्चुअल शेप देने में उस बुक को कितना समय लगता है इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे मेकिंग अ बुक ओके नाउ फर्स्ट it's all begin with the writer pinning down their ideas writing can take a long time the author has to do a lot of research revise the text and edit the book before it is finally complete once the author is happy with the work a, a copy of it called a manuscript it is sent to the publisher ओके okay. इस स्टेटमेंट में हम लोग जानेंगे कि जो राइटर है वो पहले अपने आइडियाज को लेकर आता है फिर उसको एक काफी एक समय देता है अपनी राइटिंग को वो समय देता है उस पे ऊपर वो लिखता है और वो लिखने में उसको बहुत सारे रिसर्च लग मतलब बहुत सारे रिसर्च करता है वो फिर आ, मतलब तब जाके वो एक फाइनली एक कॉपी कंप्लीट करता है और जब वो कॉपी कंप्लीट हो जाती है और वो सेटिस्फाइड हो जाता है अपने वर्क से जो राइटर है तो वो क्या करता है एक कॉपी तैयार करता है जिसको हम लोग कहते हैं मेन्यू स्क्रिप्ट और उसके बाद वो कर, एक पब्लिसर को सेंड करता है ठीक है Now, once the manuscript is finalized, the editor work with the writer and make necessary change. The editor make sure that text doesn't have any factual or grammar error. जब हमारा manuscript final हो जाता है, मतलब जब हमारी writer की copy तैयार हो जाती है, तो उसमें role अब किसका आता है? Editor का। तो editor फिर क्या करता है? एडिटर इंश्योर करता है कि उसमें कोई किसी टाइप का एरर नहीं हो किसी टाइप का किसी भी टाइप का ग्रामेटिकल एरर नहीं हो कोई फैक्चुअल एरर नहीं हो ठीक है नाउ एट पब्लिशिंग हाउस एंड एडिटर रीड द मेन्यू स्क्रिप्ट एंड इफ इफ द एडिटर लाइक इट ही और शी द पब्लिशर टू पब्लिश द बुक वंस Only ओनली वेन द is इज पब्लिश इज श्योर डेट इट इज गुड बुक एंड will he or she published it. तो फिर यहाँ पे फिर जब एडिटर सारे एरर्स को फाइंड आउट कर लेता है और उसको ठीक कर देता है तो उसमें क्या होता है कि फिर वो पब्लिशिंग हाउस को भेजता है ठीक है पब्लिशिंग हाउस को भेजता है फिर पब्लिशिंग हाउस जो है वो डिसाइड करता है कि वो बुक जो है वो गुड है कि नहीं है और उसके बाद ही वो उस बुक को पब्लिश करता है ठीक है उसके बाद क्या होता है कि उस बुक को एक हमें डिजाइन करना पड़ता है जिसके लिए डिजाइनर रोल प्ले करता है मीन्स बाई द डिजाइनर्स के कम्स अप विथ द गुड डिजाइन फॉर द बुक लेटर द नेक्स्ट टेक्स्ट एंड इमेज आर अरेन्ज इन दम ऑफ प्रिंट रेडी पेज टू मेक द बुक एरर फ्री द फर्स्ट ड्राफ्ट टू बी प्रिंटेड बुक इज रिव्यूड बाय द प्रूफ राइटर दे चेक द इंटायर बुक वेरी माइन्यूटली इंक्लूडिंग वर्ड्स इमेज फिगर एंड टेबल ओके तो ये हमारे प्रोसेस है एक किसी बुक को बनाने में एक किसी बुक को कंप्लीट करने में जिसमें राइटर का रोल प्ले होता है फिर राइटर मेन्यू स्क्रिप्ट तैयार करता है देन उसके बाद एडिटर का रोल होता है एडिटर उसको एडिट करता है मतलब उसमें सही और गलत फाइन करता है उसके बाद वो पब्लिशर को देता है जिसमें पब्लिशर डिसाइड करता है कि वेदर उस बुक को पब्लिश करना चाहिए कि नहीं और फिर जब वो डिसाइड कर लेता है तो उस बुक को पब्लिश कर दिया जाता है लेकिन बुक को पब्लिश करने के लिए उसको एक सुंदर कवर पेज देना पड़ता है जो कि डिजाइनर उसको फुलफिल करता है डिजाइनर जो डिजाइनर होता है वो अपने आइडियाज को लेकर आता है और उस बुक को एक अच्छी डिजाइन देता है तो ये सारे प्रोसेस है आ, एक बुक को बनाने के लिए सो फॉर दिस इज द एंड फॉर टुडे लास्ट बट नॉट लीस्ट आई वॉन्ट टू स्टे डैट स्टे होम स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड थैंक यू हैव अइस डे